मैं प्रदेश की जनता को, प्रदेश के तमाम मतदाताओं को और कांग्रेस के तमाम लाखों कार्यकर्ताओं को तहे दिल से उनके द्वारा किए गए इस लोकतंत्र के पर्व में जो योगदान उनके द्वारा किया गया उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए भारत में दिए गए संविधानों के तहत, संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आम लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर अपने मनपसंद सरकार चुनने में योगदान दिया, इसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, आम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का मैं इस रूप में धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आज कांग्रेस के यहाँ हेडक्वार्टर से, मुख्यालय से, कि सभी ने पांचों लोकसभा क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से जो कुछ हो पाया एकजुटता का परिचय दिया, सब लोग एकजुट रहे और एकजुटता के साथ इस रण में सब लोग आगे बढ़े और बड़ी बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जमीन इतनी हार्ड पहले लगा नहीं होगा कि जमीन इतनी हार्ड है जो उन्हें चुनाव में महसूस हुआ, और इसका श्रेय निश्चित रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जाता है। कल मैं गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग में था और मैंने वहाँ एक बात कही और आज इस बात को यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ। हमारे तमाम साथियों ने मुझे ये कहा कि कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई आपने अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन मैंने उन्हें ये बात कही कि ये बैटिंग अगर मैं कर पाया, ये आकलन तो तटस्थ लोग करेंगे कि हम कैसी बैटिंग कर पाए, लेकिन अगर मैं जो भी बैटिंग कर पाया वो इसलिए कर पाया कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत उम्दा पिच बना रखी थी।